हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। माय सेल्फ डॉक्टर प्रदीप और आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंसड बायल व्हेन इट इज प्लेसड इन सम मैग्नेटिक फील्ड बट इट्स नॉट द एक्चुअल टॉपिक एक्चुअली ये एक बेस है एक बेसिक है उसके पीछे एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट आज हम स्टडी करेंगे मूविंग सो so भाई कुछ लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि जब भी किसी एक लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होती है टॉर्क मींस उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगती हैं, जो फोर्सेस जो है वो उसको एक एक्सिस के सराउंड पे घूमने पे मजबूर कर देती है कुछ इस तरह से तो गलवेनोमीटर की जब बात करें तो गलवेनोमीटर आपको पता है ये डिवाइस है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स किसी भी सर्किट और जो कॉमनली यूज मो मूविंग कॉइल गलवानोमीटर है दैट इज नेम सो बिकॉज इट यूज द करंट कैरिंग कॉइल दैट रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क तो इसे मूविंग कॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉयल क्या करती है मूव करती है किसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उसके आगे पीछे होता है और बात करें क्यों करती है कैसे करती है तो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले डी आर्सनल गलवानोमीटर जो था उसमें कॉयल जो है सस्पेंड करती है विद द हेल्प ऑफ अस्फर ब्रॉन्ज वायर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो इसका प्रिंसिपल भी यही है कि जब करंट कैरिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है उसके ऊपर लग जाती है एक मैग्नेटिक टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लग जाती है टॉर्क से घूमता है आपका वो कॉयल फिर देखते हैं कि कैसे उससे हम करंट की मेजरमेंट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर का ध्यान रखिएगा क्योंकि तो मैंने जैसे आपको बताया पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ टॉपिक आपका आज के अपने इस जो हमारा टॉपिक चल रहा है मूविंग ऑयल गलवेनोमीटर उसका प्रिंसिपल भी है सो इट इज मूविंग ऑयल गलवेनोमीटर तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मूविंग कॉइल गलवानोमीटर जो है इसको यूज किस लिए कर रहे हैं हम टू चेक द करंट इन सर्किट मूव करता है क्यों मूव क्या मूव करता है इसमें मूविंग कॉइल है इसमें उस कॉइल में जब करंट मूव करती है करंट मूव करने से वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क जब एक्सपीरियंस करता है तो उसके कारण क्या करता है वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव करना स्टार्ट कर ले पाए ठीक है भाई चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल यही कंसेप्ट है इसका प्रिंसिपल जो है है वो यही है कि वेन कॉल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट इट टॉर्क इन इट उसमें क्या फॉलो होता है टॉर्क होती है चलिए अब एक सर्किट की डायग्राम से एक फिगर के डायग्राम से एक डायग्राम से चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसी है कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं एक मूविंग ऑयल गलवानोमीटर के ठीक है तो एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं दो किस्म के मूविंग ऑयल गल्वानोमीटर्स हैं एक जो है आपका दैट इज योर डी आर डी आर्सनल और दूसरा है वेस्टर्न डी आर्सनल गलवानोमीटर और एक वेस्टर्न टाइप गलवानोमीटर तो चलिए बात करते हैं आज का जो आपका वेस्टर्न टाइप का गलवानोमीटर है उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं चलिए सबसे पहले आपके सामने डायग्राम जो दिखाई दे रही है यहां पे सबसे पहला पार्ट जो है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे एक वेस्टर्न टाइप ऑफ इज़ देयर, ठीक है यहां पे रेक्टेंगुलर कॉयल है अ फाइन इंसुलेटेड कॉपर, आपकी कॉयल जो है यहां पे ये कॉपर की कॉयल बनी हुई है कॉपर की कॉयल बनी हुई है यहां पे ये कॉयल आपको दिखाई दे रही है पी क्यू आर एंड एस ठीक है यहां s1 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि नॉर्थ और साउथ में भी साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए s यूज किया है कोई आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने कॉइल का नाम s1 लिख दिया आप इसे a B, C, भी लिख सकते हैं डन अब आपके पास दोनों एंड्स जो हैं इस कॉइल के दोनों एंड्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं दोनों एंड कॉइल के यहां पे और ये वाला एंड जो है ये एक्सिस के ऊपर पास हो रहे हैं इसकी यही एक्सिस है ऊपर से नीचे वाली ठीक है ये समझ आ रही है आपको दिस वन दिस आपकी ये, क्या है इस कॉइल की एक्सिस है तो ये बात ध्यान रखिएगा जो मोशन है कॉइल का उसे कंट्रोल करने के लिए हमने स्मॉल हेयर लाइक स्प्रिंग्स लगाई हुई हैं जिन कहां पे है एक यहां पे है फॉस्फर ब्रॉन्ज की और यहां पर भी है आपके पास दो हेयर लाइक स्प्रिंग्स बनाई हुई है वो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए टू तो कंट्रोल द मोशन ऑफ दिस दिसल इस कौयल के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमने लगाई हुई है दो हेयर लाइक स्प्रिंग्स लगाई हुई है ये बात समझ आ रही है आपको अब बात करते हैं कि एंड्स जो है उनके दोनों एंड्स जो है इन कॉयल्स के इन दोनों स्प्रिंग्स के जो एंड्स हैं वो दोनों क्या किए हुए हैं इनको हमने बाइंडिंग स्क्रूज के साथ जोड़ दिया गया हुआ है और हमने लगा दिया है एक मिरर यहां पे एक मिरर लगाया हुआ है देखते हैं आगे क्या इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये जो कॉयल का दूसरा हिस्सा है ये जुड़ के कहा जा रहा है इस टर्मिनल पे एक टर्मिनल ये आ गया और इसका दूसरा हिस्सा ये नीचे था यहां से भी ये जुड़ के ये कहा आ रहा है टर्मिनल टी पे अब आपका क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए सर ये T2 और T1 पे क्यों है क्योंकि बच्चे यहां पे भी हमें करंट मेजर करनी होगी वी हैव टू कनेक्ट दिस गलवेमी इन सीरीज और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें दो टर्मिनल्स दो पॉइंट्स पे कनेक्शन देने होंगे वो दोनों पॉइंट क्या है आपके टी और टी जैसे ही आप इसे सर्किट के बीच में अरेंज करेंगे T1 और T2 की हेल्प से इस पूरी कॉयल में क्या पास करेगी करंट पास करेगी करंट पास करेगी और ये कॉयल हमने कहा रखी हुई है ये कॉयल रखी हुई है देखिए ध्यान से पिछला टॉपिक याद कीजिए आपकी एक्सिस कहां से है आपकी एक्सिस की डायरेक्शन देखिए है भाई आपकी और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ध्यान रहे टॉर्क की बात करें तो इट इज एन आई ए बी साइन थीटा ठीक है भाई समझ आ गया दोनों क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अब बात करते हैं कि जब करंट पास करेगी तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा चलिए इसका अपर पार्ट देखते हैं कि हमें रीडिंग्स कैसे दिखाई देंगी रीडिंग्स दिखाई दे उससे मैं आपको एक और डायग्राम इसकी मैं बता देता हूं आपको यहां देखिए ये आपको और क्लैरिटी में कैसे दिखाई देगा ये है इसका अपर सस्पेंशन जो अपर पॉइंट है यहां से आपका कहां जाएगा टर्मिनल टी वन पे और इसी तरह इसका लोअर सस्पेंशन ये आपकी कॉयल है ये कॉयल है इनर इसके अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन को रखा हुआ है क्यों रखा है वो हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ ये दो मैग्नेट के दो हिस्से हैं परमानेंट मैग्नेट है लोअर सस्पेंशन यहां पे भी एक स्प्रिंग है टॉर्शन स्प्रिंग है डन तो इसका ये अपर पॉइंट जो है अपर पार्ट ऊपर से हमें इस तरह से दिखाई देगा जो आपकी कॉयल है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया जब वो कॉयल मूव करेगी उस कॉयल को हमने कैलिब्रेट करके यहां पे बना दिया है एक स्केल और उससे हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी करंट की वैल्यू मिल जाएगी किसकी वैल्यू मिल जाएगी करंट की वैल्यू मिल जाएगी अब आपका यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो समझ आ गया किस तरह घूमेगी और उसके साथ पॉइंटर घूमेगा अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको यहां बताई एक चीज कि यहां पे ऊपर से ये दिखाई दे रहा है आपका मैग्नेट जो होता है वहां पे कुछ इस तरह से कर्व का बना हुआ है ये देखिए ये ब्रैकेट की फॉर्म में है यहां पे आपका क्वेश्चन यहां पे हो जाना चाहिए कि यहां पे जो माउंट किए हैं हमने इस तरह से सिमिट्रिकली माउंट किए हैं ये हमने क्या किया हुआ है यहां पर जो सॉफ्ट आयरन है यहां पर ध्यान रहे जो सॉफ्ट आयरन कोर है जो अंदर रखी हुई है इज माउंटेड ध्यान से माउंटेड सिमेट्रिकली बीच में रखी है हमने सेंटर में सॉफ्ट आयरन की कोर रखी है किसके सिमेट्रिकली रखी है सिमेट्रिकली बिटवीन द कनकेव क्या कनकेव पोल्स ध्यान रखिए पोल्स आपके कनकेव हैं ये देखो ये वाला भी कनकेव पार्ट है और ये वाला भी कनकेव पार्ट है अब पार्ट कनकेव है उससे क्या होगा ध्यान से देखो मैंने एरोज बनाए हैं ये एरोज जो है यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर जा रही हैं बाहर आ रही हैं नॉर्थ से अंदर घुसेंगी साउथ से बाहर जाएंगी यहां बाहर जाएंगी वो एक दूसरे से बाहर की तरफ चलती जाएंगी इससे क्या होगा ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो है दिस मेक्स इससे क्या फायदा होगा इससे होगा जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे विल बी प्वाइंटिंग दे विल बी पॉइंटिंग अलोंग ये किसकी डायरेक्शन में होंगी हमेशा दे ऑलवेज बी प्वाइंटिंग अलोंग द रेडियस ध्यान से देखो ये देखो ये अंदर की तरफ है हमेशा ये रेडियस की तरफ ये सेंटर की तरफ ये सेंटर की तरफ ये सेंटर की तरफ और ये जो बाहर जा रही है ये भी उसी रेडियस के अलोंग ही है तो आपका रेडियल से बाहर आएगा और आपको पता है रेडियस के साथ जो टैंजेंट होता है हमेशा प्रपेंडिकुलर होता है तो कॉयल जो है यहां पे इस फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस किसका इस सर्कल का रेडियस होगा इसलिए इस फील्ड का नाम हमने क्या रख दिया रेडियल फील्ड तो आपको पहला क्वेश्चन व्हाट इज रेडियल फील्ड रेडियल फील्ड वो है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस ठीक है और कैसे बनाया हमने हमने क्या किया दो मैग्नेट्स के एंड्स लिए जो इस तरह से कनकेव थे उनके बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर रख दी और कोयर के आगे पीछे बना दी लूप बना दिए कॉयल बना दी अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती थी वो भी रेडियस के साथ जात जाती थी जो बाहर आती थी वो भी रेडियस के साथ आती थी उससे क्या फायदा हुआ कि हमेशा वो क्या होंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा हमेशा मैग्नेट मैक्सिमम टॉर्क देगा बात समझ आ गई अब बात करते हैं अब यहां से एक चीज हमें पता लग गई कि मैक्सिमम टॉर्क तो हमने पड़ी है मैक्सिमम टॉर्क हमने पढ़ ली कि टॉर्क जो होती है दैट इज इक्वल टू कॉयल अब लग गया ना नंबर ऑफ ऑफ टर्न्स द कॉइल अब इसका मतलब है जैसे ही टॉर्क के कारण वो आपकी कॉइल घूमेगी ऊपर क्या लगे हैं स्प्रिंग्स नीचे क्या लगे हैं स्प्रिंग्स स्प्रिंग्स लगे हैं तो वहां पे क्या लगेगी वहां पे लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब लगेगी रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो क्या करेगी आपकी डिपेंड करेगी एक कांस्टेंट पे टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क जो है डॉट रीस्टोरिंग टॉर्क जो है इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी इलास्टिसिटी और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अल्फा से तो टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अल्फा और या आप इसे लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू केन टू अल्फा टॉर्क हो गई के इन अल्फा के बराबर अब यहां पे टॉर्क ये है यहां पे टॉर्क ये है तो इसका मतलब है के इन अल्फा किसके बराबर हो गया एन आई ए बी के बराबर हो गया एन आई ए बी के बराबर हो गया तो अल्फा किसके बराबर हो गया अल्फा हो गया एन आई ए बी अपॉन के के एक एक्सप्रेशन तो यहां से मुझे ये मिल गई कि एन हो गया के नीचे ले जाओ के आपके पास अल्फा आ गया इसका मतलब है एक तो ये फंक्शन आ गया अब यहां से यहां से मेरे पास या तो दूसरी एक्सप्रेशन अगर आई की निकालते हो आई किसके बराबर है यहां से ध्यान से देखो के अल्फा अपॉन एन बी ए यहां पे ये ये जो के अपॉन एन बी ए है इसे हम कहते हैं गलवानोमीटर कांस्टेंट क्या कहते हैं गलवानोमीटर कांस्टेंट और लिखते हैं जी से सो so, आई किसके बराबर हो गया जी इंटू अल्फा यहां से ही है जी इंटू अल्फा और जी को क्या कहते हैं गलवानोमीटर कांस्टेंट गलवानोमीटर कांस्टेंट अब एक चीज तो यहां गलवानोमीटर तो मिल गया अब यहां पे ये कितना अच्छा होगा आपका ये डिफाइन करेगा कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा वो जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो जी की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन अल्फा जी इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा जितना जी इक्वल टू आई अपॉन अल्फा होगा उसी पे हम चेक करेंगे कि गलवानोमीटर की मैरिट कितनी है और इसे कहते हैं जी को दूसरा नाम क्या कहते हैं फिगर ऑफ मैरिट क्या कहते हैं इसे फिगर ऑफ मैरिट चलिए अब आपको मैं पूछता हूं भाई आपका गलवानोमीटर कितना सेंसिटिव है तो सेंसिटिविटी दो किस्म की हो गई सेंसिटिविटी का मतलब है कि कब कितने जल्दी इसमें करंट पास करने पे कितने जल्दी ये इंपैक्ट बताता है कितने जल्दी ये इफेक्टेड होता है तो करंट की सेंसिटिविटी देखते हैं करंट की सेंसिटिविटी या वोल्टेज की सेंसिटिविटी करंट की सेंसिटिविटी देखनी है आई एस ये हो जाएगा अल्फा अपॉन आई और अगर वोल्टेज की देखनी है तो अल्फा अपॉन वी हो जाएगा ठीक है तो अल्फा अब अल्फा की वैल्यू हमने ऊपर यहां पे वैल्यू डाल लीजिए आपके पास आ जाएगा अगर इस टर्म में निकालना है के की टर्म में निकालना है सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू आ गई एन बी अब यहां पे देखिए अल्फा किसके बराबर है अल्फा वी और v किसके बराबर है i into r ओम का लॉ याद रखिए i into r अब तो वही बन गया ना ऊपर वाला i nba k आ गया r साथ में आ गया तो ये है इसकी सेंसिटिविटी तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है डिपेंड कर रही है भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है एरिया कितना है कॉइल का और टॉर्शन कांस्टेंट या इलास्टिसिटी कितनी है उस स्प्रिंग तो ये बात समझ आ गई तो इस तरह से आपने ये समझना है इसके एडवांटेजेस जैसे हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो करंट पे डिपेंड करती है तो वहां से हमें बहुत क्लियर सेंसिटिव फॉर्मेशन मिलती है इसकी सो so, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं इसमें भी एक प्रॉब्लम है मेन डिसएडवांटेज क्या है कि आप इसकी वैल्यू जो है सेंसिटिविटी की अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते यह कॉल पे डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी या उसकी सेंसिटिविटी पे ये किसी भी ऐसे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती जो बाहर से आप चेंज कर सकते हैं यही है इसकी डिसएडवांटेज ठीक है कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिए थैंक यू वेरी मच गुड बाय